हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले चलूँगी दाड़ला घाट, चनावक, तत्तापानी, सुन्नी, बड़ियाना। मैं बहुत सारी ऐसी जगहें आज आपको एक्सप्लोर करवाऊँगी। ये जो हम इस वक्त पहुँचे हैं, ये हैं चनावक। ये दाड़ला घाट से अंदर की तरफ को मंदिर है चनावक जगह। ये यहाँ के गुरुजी हैं, और ये जो यहाँ पर देवता जी हैं, ये है हरसिंह हर्षकर चनावक देव जो हैं। देवता जी की ये मूर्ति है, और मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगी कि ये दो रियासतों के देवता हैं, और भज्जी रियासत और बाघल रियासत के। तो ये है इनका रथ और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा। तो इसके बाद हम पहुँचते हैं तत्तापानी। तो तत्तापानी जो है एक तीर्थ स्थान है हमारे हिमाचल प्रदेश का, और हम यहाँ पे आए थे। जाना हमने एक्चुअली बड़ियाना में था, जो सुन्नी से थोड़े आगे है, लेकिन पहले हम यहाँ पर घूमे और मैं आपको भी घुमाऊँगी साथ साथ में। एक्चुअली यहाँ पर तुलादान बहुत ज़्यादा होता है, और गर्म पानी के सल्फ़र का जो पानी होता है, वो गर्म पानी का चश्मा यहाँ पर है। अब जब से कोल डैम बना हुआ है, तो अब ये झील का दृश्य है। साथ में ये यहाँ पे मंदिर हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए, तो हम ऑफ डे में पहुँचे। वैसे सैटरडे को यहाँ पर तुलादान होते हैं, तो ये देखें आप, तुलादान के बहुत सारे स्टॉल टाइप यहाँ पर लगे हुए हैं। लोग सैटरडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, बट हम किसी और दिन गए हुए थे, तो हमारे लिए बिल्कुल ही नई चीज़ थी ये। और वीडियो मैं हिंदी में डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आता, प्लीज़ कोई कोई वीडियो आप हिंदी में भी डाल दें। तो ये आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर ये औरतों के नहाने के लिए स्नानागृह दिखाई दे रहा है उस तरफ को, और इस तरफ को ये तुलादान के जो तुला बनी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी, इसमें लोहे की, ये देखिए इनको कवर किया है। एवरी सैटरडे को ये लोग खोलते हैं। और ये आ जाए नज़दीक, तो देखिए सल्फ़र का पानी, यहाँ जेंट्स लोग बाहर नहाते हैं, और ये प्रॉपर इन्होंने यहाँ बैठने का तरीका वो बनाया हुआ है। ये गर्म पानी खोल रहा है, ये देखें आप, तो नीचे सल्फ़र जम गया हुआ है। तो माना जाता है कि इस पानी से जो नहाते हैं, उनकी बहुत सारी स्किन डिजीज़ ठीक हो जाती हैं। और सच्ची बात बताऊँ तो जब मैं भी नहाई, तो पूरे दिन की थकान उतर गई। एक्चुअली बिलासपुर से यहाँ तक पहुँचने में लगते हैं 3 आवर्स लग गए थे हमें, क्योंकि हम चनावग में भी रुके थोड़ी देर, और फिर बीच बीच से हम दाड़ला से होके अंदर अंदर से जो कराड़ा घाट से अंदर वाला जो रास्ता है, वहाँ से पहुँचे हैं तत्तापानी। तो देखिए यहाँ बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। ये मुझे वहीं पर ही मिले, बड़े प्यारे से बच्चे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। कैसा लग रहा है विहान आपको? कैसा लग रहा है? कैसा पानी है ये? नमकीन है? गरम है? गरम है बेटे? कहाँ से आए हो विहान? अर्की, ये देखिए यहाँ पर ये बच्चे भी नहा सकते हैं, ओपन बात है। ये लेडीज़ के लिए स्पेशली है। तो ये आंटी यहाँ बैठे थे, मैंने इनसे पूछ के इनकी वीडियो बनाई। दूसरी तरफ यहाँ कपड़े वगैरह धुलते हैं किसी को धोने हो, लेकिन ये हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, तो थोड़ा सा प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्हें हमें डेवलप करना चाहिए और इनकी देख रेख अच्छे से करनी चाहिए। इस चीज़ की मुझे कमी लगी यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि ये और अच्छे से मेंटेन हो सकता है। तो चलो, अगर सरकार तक मेरी ये वीडियो पहुँचेगी, तो वो भी ज़रूर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ सामने भी तुलादान रखा हुआ है, तुला रखी हुई है। ये पहुँच गए हम वहाँ पर जहाँ पर हमने करवाया मेरे हस्बैंड का तुलादान। हमने किसी के थ्रू बात की कि ऑफ डे में भी कर सकते हैं क्या तुलादान, तो ये किसी के घर में मंदिर बना हुआ है, तो हमें उन पंडित जी ने यहाँ पर भेजा। तो चलिए अंदर के दर्शन मैं आपको कराती हूँ। यहाँ शनि महाराज जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर,
और अंदर ही जो तुला है वो लगी हुई है, बहुत ही अलग तरीके की, मतलब शायद ही आप ऑल ओवर इंडिया में ऐसा जैसा कुछ देख पाएँ जो हमारे हिमाचल में है, अपर एरियाज़ में है, वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरफ को रखे हैं इन्होंने कपड़े, तो जो जिसको ड्रेस पहननी हो, मतलब जिस नाप की हो, तो ये हो गए रेडी। और अब करवाएंगे इनकी पूजा और तुलादान हम। बड़ा अच्छा सा दिन था वो जिस दिन हम वहाँ गए थे, फुल डे हमने एंजॉय किया। अदरवाइज़ ज़िंदगी की भागम भाग में बस अगले टारगेट पहले रहते हैं, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत अच्छा सा दिन बिताया, मतलब जो हमारे मन में आया वो हमने किया। तो ये करवा रहे हैं पंडित जी पूजा। पहले से ही इन्होंने एक साइड में गेहूं वगैरह अनाज वगैरह रखा होता है, देखिए कैसे झूल रहे हैं बराबर वेट में। शोल्डर को देखो अपने, हाथ के नाखून देख लो सर, दोनों हाथ के नाखून देखो, ये पकड़ा हुआ इसने। आपने शनि देव से भोले शंकर का ध्यान करना, मेरी ग्रह निष्ठा दूर करना, चंद्रदेव मानसिक शांति देना, सारे शरीर का सुख करना, मेरी ग्रह निष्ठा दूर करना, मेरा परिवार भी सुख। आप प्रार्थना करनी अपने पति के लिए, आगे छोड़ना अपने पीछे देखना है, मत्था टेकना शनि देव के पास और वरे पड़ना मेरी तरफ। माना जाता है कि तुला दान करने से जो भी हमारे शारीरिक जो हमें ग्रह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। अब पहुंच गए हम फिर से दरिया के किनारे। मैं डाल रही हूँ मछलियों को आटा, चलते चलते याद आई घर से कि थोड़ा सा आटा ले चलते हैं, बहुत सारी फिश होती हैं इधर, मतलब और बड़ा ठंडी सी हवा, और बड़ा एंजॉय किया। तो देख लें आप मेरी मस्ती को यहाँ पे। मतलब कि एक बिल्कुल अलग तरह का एहसास था। साथ में यहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग करके एक बहुत बड़ा होटल है, हमने यहाँ से दो लड़के जा रहे थे तो उनसे हमने फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि आप ऊपर चले जाएं इस एरिया में, तो यहाँ मतलब फ्री है, आप फ़ोटोज़ लें, घूमें, रेस्ट करें। हॉट स्प्रिंग वालों का यहाँ पे काफ़ी बड़ा होटल है, अगर आप कभी तत्तापानी आने का हिमाचल में, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है एक्चुअली, तो अगर आप कभी आने का प्रोग्राम बनाएं तो अच्छा होटल है इधर, अच्छी फैसिलिटी है इनके, तो आप यहाँ रह सकते हैं। ये देखिए टूरिस्ट्स आए हुए हैं रहने के लिए, तो इनके अपने बहुत सारा नेचर, हॉट स्प्रिंग, रेस्टोरेंट और हेल्थ स्पा, बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने दे रखी है। तो ये दोनों का हमारा टाइम। इसके बाद हम पहुँच गए सुन्नी, ये सुन्नी का बस स्टैंड है, हमें नहीं पता था, बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था उस वक्त वहाँ पर, तो इवनिंग टाइम था, तो नाइट सूट में ही आ गई है मैडम। सुन्नी के ही रेस्ट हाउस को हमने बुक कराया था, और दोनों ये अगले दिन सुबह हम रेडी हैं गुरुजी के घर जाने के लिए। हमारे गुरुजी रहते हैं बड़ियाना में, और उन्होंने रखवाया है वहाँ सब चंडी का पाठ। ये पहुँच गए हम मंदिर में, खांडू माता मंदिर में, और यहाँ अब हम मिलेंगे गुरुजी से और उनकी फैमिली मेम्बर से। बहुत बड़ा सतचंडी महायज्ञ इन्होंने करवाया यहाँ पे, ये देखें आप थोड़ी सी फ़ोटोज़ हैं, और ये हमारे गुरु महाराज जी की फैमिली फ़ोटो है, बच्चे, वाइफ और उनकी सिस्टर। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप था, बहुत ही अलग फीलिंग थी, और इतना उसमें पूजा पाठ में लीन, मतलब बिल्कुल अलग। ये है हमारी खांडू माता, जिनसे जिन्हें हम शाली महामाया भी कहते हैं। शाली महामाया ज्योतिष करके गुरुजी का चैनल है, जिसमें इन्होंने ज्योतिष के बारे में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देखें जरूर। ये पहुंच गए हम दोनों शाम को घर, और नीलू बन चुकी है पहाड़न अपने पहाड़ी कल्चर में जाके।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।